इंदौर जिले की रऊ नगर परिषद में सब्जी के फुटकर विक्रेता रऊ के मेन बाजार में अपने सब्जियों की दुकानें लगाते थे बड़ी तादाद में, और आज वह नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और जहां पर उन्होंने पहुंचकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। ऐसी बीच आज सब्जी की दुकानें बंद करके नगर परिषद पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया सीएमओ को और कहा गया कि हम लोग यहां पर ही दुकानें लगाएंगे, वहीं दूसरी ओर नहीं जाएंगे, वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस आक्रोश को देखने को मिला, वहीं नगर परिषद के बाहर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। वहीं सब्जी बेचने वालों का कहना है कि जो लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए आते थे वे लोग वहां पर नहीं आएंगे। हम लोग पहले से ही काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पहले ही व्यापार नहीं चल रहा है और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमओ ने मीडिया वालों से चर्चा की तो कहा कि कोविड को देखते हुए यहां भीड़ न हो, वहीं पर तेजी से बीमारी का माहौल भी चल रहा है। इस दौरान सभी की दुकानें शमशान के आगे जो खाली जगह पर सुविधा उपलब्ध करा दी गई है वहां पर अब दुकानें लगेंगी। वाला सब्जी बेचता है, कपड़े वाले सब्जी बेचता है, चक्की वाला सब्जी बेचता है और गली वालों को मेन मार्केट वाले को बेचते हैं, साइकिल वाले भी बेचते हैं, हम लोग को एक तरफ बेचते हैं। हम लोग ये चाहते हैं, आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? मेरा तो 25 साल हो गए सर धंधा करते करते, और यही रहो मैं दुकान लगा रही हूँ 25 साल से। हम ये चाहते हैं कि हमारे मेन मार्केट में ही हमारी दुकान है, यही अस्पताल की गली है। मेरा नाम जिंदाबाद। यहाँ पे क्या अभी कोविड का चल रहा है, शासन द्वारा मुझे भीड़ कम लगाना है, इसके लिए हमने किताब के आगे है ठीक है 70 दुकान करीब लग जाएगी, उसकी फ्लाटिंग कर दी है, कल से इनको वहाँ बैठने की व्यवस्था कर देंगे, पानी साफ सफाई शौचालय सभी व्यवस्था कर दी है, कल से सभी लोग वहाँ जाएंगे। सर इनका कहना है कि वहाँ पर सब्जी उतना नहीं बिकी, नहीं पिछले बारे कोविड में सब वहाँ गए थे, सभी की दुकान वहीं लगी। पिछले साल से इन लोगों का कहना है कि अब जैसे पक्की दुकान है वो भी व्यापार करने लग जाते हैं सब्जी का। पक्की नहीं, कच्ची नहीं देखे, पक्की कहाँ है? नहीं मार्केट के अंदर जो खुले जो उनको सबको हटाएंगे, मार्केट पूरा हटा, नगर में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी। हमारे को ये चाहिए कि हमारा मार्केट नहीं रहे, हमारे को मान ही जाना है, वहाँ पे धंधा होता नहीं है, वहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, वहाँ पे बिजली का पोल खींचा गया था पहले भी, तो मरते मरते बचे हैं, बढ़िया वापस से वहीं भी पूछा रहा हूँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और ये दूसरे के कहने में नेतागिरी लग रही है, यहाँ पे नेतागिरियों की वजह से हो रहा है सब। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहिए जगह हमारा माल यहीं पे बिकेगा, जंगल में जाओगे जंगल में थोड़ी राजस्थान घर से निकलेगा तो मार्केट का ही बोलेगा ना कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट में जंगल का बोलेगा जंगल में जाएगा, तो मार्केट में माल बिकेगा ना, वहाँ थोड़ी बिकेगा। दीपक चौधरी, सारा मार्केट इंदौर में लग गया है, पूरे गाँव है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बाद में भी यहाँ इतना परेशान किया जाता है। देखो अभी गर्मी इतनी है, कोई व्यवस्था नहीं है, हम ये यहाँ से जाना चाहते हैं, हम लोगों ने ये लगाएंगे मार्केट में ही मार्केट चलेगा, वहाँ जंगल में फेंक देंगे तो सब्जी वहाँ बिकने वाली नहीं है। पहले महीने भर लगाया था, यहाँ पे 60-70-80 दुकान है, 30-40 ठेले वाले फल फ्रूट वाले, हम तो यही रहना चाहते हैं सर, मार्केट में वहाँ बाजार नहीं चला है। क्या न्यूज़ के लिए रऊ से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।